महंगा पेट्रोल डीजल, महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मोदी सरकार को मुंह चढ़ा रही है। पीएम मोदी ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का वादा किया था, लेकिन पिछले 3 सालों में शिक्षा पर खर्च का ये अनुपात जस का तस है, जो अब भी जीडीपी के 2.5% के आसपास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि यूपीए के शासन से 3 सालों में कम रोजगार पैदा हुए हैं। फिलहाल हर रोज हजारों हजार लोगों की नौकरियां जाने की खबर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, लेकिन पिछली सरकार के मुकाबले कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स, सेंसेक्स, कार बिक्री, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, विदेशी मुद्रा कोष, भुगतान संतुलन, सरकारी घाटा, आवास कर्ज ब्याज और काफी हद तक आर्थिक विकास दर भी तब से अब काफी मजबूत स्थिति में है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की भूमिका अहम है। 2014 में कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल थी, जो अब $48.50 प्रति बैरल है। मोदी सरकार के कई कार्यक्रमों और योजनाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रमुख हैं। सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए काल का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था और मोदी बार बार भ्रष्टाचार पर प्रहार भी करते रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री ने बैंकों के बढ़ते एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अंकुश रखने का भी वादा किया था। बैंकों के बढ़ते एनपीए पर काबू पाने में मोदी सरकार को कोई सफलता नहीं मिली है, बल्कि एनपीए में फंसी रकम 2014 से दोगुनी से ज्यादा हो गई है। विदेश से काला धन वापस लाने का समयबद्ध वादा किया गया था। विदेशों से काला धन लाने में मोदी सरकार को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। नोटबंदी से कितना काला धन सरकारी खाते में आया, इसका इंतजार सबको है। रिजर्व बैंक इस जानकारी पर गहन चुप्पी साधे हुए है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नोटबंदी से मोदी को राजनीतिक फायदा हुआ है। डिमोनेटाइजेशन के वक्त इन्होंने कहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। टेररिज्म बढ़ गया है, खत्म नहीं हुआ। इनकी कोई नीति नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है। प्रचार से फुर्सत मिलेगी, फुर्सत होगी तो तभी ना। इन वादों और मुद्दों पर मोदी सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों को तौले तो तमाम मजबूत आर्थिक संकेत, विकास दर, कम महंगाई, विशाल विदेशी मुद्रा कोष, तेजी से आगे बढ़ता शेयर बाजार जैसी उपलब्धियां बेमानी सी लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएल।